नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका, जो कि 12th एग्रीकल्चर और ZICR BHU की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले बात की जाए मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। जैसे यह है अपने मृदा, जब इस मृदा में ऊर्ध्वाधर अर्थात यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मूल पदार्थ तक, मूल पदार्थ तक पेरेंट्स मेटीरियल, पेरेंट्स मेटीरियल तक कटाव लगाए जाते हैं या कट लगाए जाते हैं, तब इसमें क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, परतें दिखाई देती है। इन परतों को क्या कहते हैं, संस्तर या होरिजन, जिनमें क्या होती है, गुणों में क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती है। अर्थात अपन ऊपर से धरातल से लेकर मूल पदार्थ तक जब ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा कटाव लगाते हैं या कट लगाते हैं, तब क्या होती है, अलग अलग प्रकार के रंगों की क्या होती है, परतें दिखाई देती है। उन परतों को कहा जाता है संस्तर या होरिजन। इन्हीं संस्तरों या होरिजन्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। शॉर्ट रूप में इसको अपन डिफाइन करना चाहिए तो क्या होगा, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल। अर्थात मूल पदार्थ तक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कट या कटान लगाने पर विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के रंगों की परतें दिखाई देती है, जिनको सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल कहा जाता है। यदि अपन इसकी आगे बात की जाए तो इनको अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों से डिनोट किया जाता है। तो अपने कौन कौन से मृदा संस्तर होंगे, ओ ए बी और सी, ये चार प्रकार के मृदा संस्तर पाए जाते हैं जो कि उप संस्तरों में विभाजित रहते हैं। इसको आगे अपन देखते हैं, जैसे ये अपने हैं, सबसे पहले ऊपर पाया जाता अपने ओ संस्तर, ओ संस्तर, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर और सी संस्तर, जिसमें क्या पाई जाती है, कठोर चट्टाने या कम विघटित चट्टाने पाई जाती है। इसी के नीचे एक आती है आर परत। यदि अपन इसके न्यू टाइप की बात करते हैं कि इनमें से मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले जो संस्तर होते हैं ओ ए बी सी, इनमें से ए प्लस बी, इन संस्तरों को तो क्या कहते हैं, सोलम, जिससे कि मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए बी और सी संस्तर सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, रिगोलिथ, जो क्या कहलाता है, मृदा का मूल पदार्थ या पेरेंट्स मेटीरियल, पैतृक पदार्थ कहलाता है।
ओ ए बी और सी, इन संस्तरों को क्या कहते हैं? मास्टर होरिजन। सबसे इंपॉर्टेंट है ए और बी संस्तर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहलाता है? सोलम। ए और बी और सी संस्तर तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रिगोलिथ। तो चलिए इनकी एक एक से अपन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने ओ संस्तर, ओ संस्तर, ओ संस्तर को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होरिजन कार्बनिक संस्तर। सबसे पहले बात करते हैं अपन ओ संस्तर की। ओ संस्तर का दूसरा नाम क्या है? कार्बनिक संस्तर या ऑर्गेनिक होरिजन। ये संस्तर कहां पे पाया जाता है? जंगल, जंगल की मृदाओं में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। फॉरेस्ट सोइल में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। कहां पे नहीं पाया जाता है? अरेबल सोइल, अरेबल सोइल में क्या रहता है? ये एब्सेंट रहता है। तो इसकी मुख्य बातें क्या हो गई? पहले तो इस संस्तर को किस नाम से जानते हैं? कार्बनिक संस्तर से या ऑर्गेनिक होरिजन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी मुख्य बात क्या होगी? ये संस्तर कहां पे पाया जाता है? केवल जंगल की मृदाओं में पाया जाता है, तो जंगल की जो सोयल होती है उनमें पाया जाता है। तीसरी मुख्य बात क्या होगी इसकी? अरेबल सोयल, अर्थात जहां पे खेती की जाती है वहां पे ये संस्तर अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। इस संस्तर में क्या पाया जाता है? जो सड़े सड़े गले पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, अर्थात जो पादप और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो पाए जाते हैं। इनके विघटन के आधार पर, यानी कि पूर्ण विघटित रहते हैं या आंशिक विघटित होते हैं, उनके आधार पे इस संस्तर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है O1, दूसरा अपने O2। O1 में क्या पाया जाता है? आंशिक आंशिक सड़ा गला पदार्थ, जिसको अपन नग्न नग्न आंखों से देख सकते हैं। पहला उपसंस्तर है O1, जिसमें क्या होता है? आंशिक सड़ा गला पदार्थ पाया जाता है, जिसको कि नग्न आंखों से देख सकते हैं। दूसरा होता है इसमें O2 उपसंस्तर, जिसमें क्या होता है? पूर्ण विघटित या पूर्ण विघटित पादप व जंतु अवशेष पाए जाते इसमें, जिसको कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो पहला संस्तर अपने ओ संस्तर, जिसको क्या कहा जाता है? कार्बनिक संस्तर। यह संस्तर कहां पाया जाता है? फॉरेस्ट सोइल में, जंगल की मृदा में पाया जाता है। कहां नहीं पाया जाता है? अरेबल सोइल में, अर्थात जहां पे खेती की जाती है वहां पे ये संस्तर अनुपस्थित रहता है। इस संस्तर में क्या पाया जाता है? सड़े गले पदार्थ, जो पादप और जंतु होते हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं। इनके विघटन के आधार पर इसको दो उपसंस्तरों में विभाजित किया गया है। पहला O1, इसमें क्या पाया जाता है? आंशिक, यानी कि जो कम विघटित होता है, जो पूर्ण रूप से सड़ा हुआ पदार्थ नहीं होता है वो पाया जाता है, जिसको नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। दूसरा होता है O2 उपसंस्तर, जिसमें क्या पाया जाता है? पादप और जंतुओं का पूर्ण विघटित अवशेष पाया जाता है, जिसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो ये तो दूसरा संस्तर है अपने ए संस्तर। ए संस्तर की मुख्य बात की जाए तो ए संस्तर को क्या कहा जाता है? खनिज संस्तर।
क्योंकि इसमें खनिज पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है, मिनरल पॉइजन। इस संस्तर में क्या पाया जाता है, आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ व खनिज का मिश्रण। इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा डार्क कलर। इस संस्तर का जो ऐ संस्तर होता है, इसमें पाए जाते हैं आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस संस्तर को क्या कहा जाता है, निक्षेपित निक्षेपित संस्तर, इलुवियल होरिजन। इलु मींस एग्जिट, एग्जिट मींस बाहर या आउट होना। अर्थात जो संस्तर है, ए संस्तर है, इस संस्तर में आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं और सिलिकेट क्लेज पाई जाती है, जो क्या होती है पानी के साथ घुलकर, जब वर्षा होती है या पानी आता है मृदा में, तब पानी के साथ में घुलकर यहाँ पे जो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड उपस्थित है, ये आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, लीच्ड आउट हो जाते हैं, अपसालित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, लीचिंग, लीचिंग या निक्षालन। अर्थात ए संस्तर में जो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड उपस्थित है, वो पानी के साथ में घुल के और निचले संस्तर में मूव आउट कर जाते हैं या चले जाते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, इलुवियल या वॉशिंग आउट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इलुवियल या वॉशिंग आउट का संबंध कौन से संस्तर से है, तो कौन से संस्तर से हुआ, ए संस्तर से। तो अपने ये दो संस्तर कंप्लीट है, ओ संस्तर और ए संस्तर। नेक्स्ट संस्तर आता है अपने बी संस्तर, बी होरिजन। बी होरिजन की मुख्य बातें की जाए, सबसे पहले बी होरिजन में क्या उपस्थित होता है, मूल चट्टानी, मूल चट्टानी रूपांतरित या परिवर्तित रूप में उपस्थित। अर्थात इस संस्तर में क्या होती है, जो मूल चट्टानी है वो अपने मूल रूप से यानी परिवर्तित रूप में होके और इस संस्तर में पाई जाती है। दूसरा, इस संस्तर का संबंध किससे हुआ, इलुवियल, इलुवियल या वॉशिंग इन, आई मींस इन अंदर। अर्थात जो ए संस्तर से जो आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो निक्षालित हुए, लीच्ड आउट हुए, वो कहां आके जमा होंगे, बी संस्तर में। इस कारण इस संस्तर का संबंध किससे हो गया, इलुवियल या वॉशिंग इन। पूछ लिया जाए वॉशिंग आउट का संबंध कौन से संस्तर से है, तो ए संस्तर से। वॉशिंग इन का संबंध किससे, तो बी संस्तर से। दूसरी बात, इस संस्तर को क्या कहा जाता है, अवमर्दा, अवमर्दा शब्द सोइल। अवमर्दा किसको कहते हैं, ऐसी मर्दा जिसकी गहराई क्या हो 15 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उसको तो कहा जाता है अवमर्दा, और जिसकी गहराई 0 से लेके 15 सेंटीमीटर होती है उसको कौन सी मर्दा कहा जाता है, पृष्ठीय मर्दा, सबसरफेस सोइल। उसको तो क्या बोल रहे हैं, पृष्ठीय मर्दा सरफेस सोइल जिसकी गहराई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से अधिक जो गहराई वाली मर्दा वो क्या कहलाएगी, अवमर्दा या सब सोइल। अब जो बी संस्तर होता है, इसमें
आद्र जो क्षेत्र होते हैं वहां पे तो किसका जमाव अधिक होता है, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां किसका जमाव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का। आर्द्र क्षेत्रों में किसका जमा हुआ, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइडों का और सिलिकेट कलेज का, और शुष्क क्षेत्रों में किसका जमा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट का। ये अपने तीन संस्तर हो गए, और संस्तर जिसको क्या कहा गया था, कार्बनिक संस्तर। ए संस्तर इसको क्या कहते हैं अपन, खनिज संस्तर। बी संस्तर इसका संबंध किससे, वाशिंग इन से। ए संस्तर का संबंध किससे हो गया, वाशिंग आउट से। बी संस्तर में किसका जमाव होता है, आयरन एल्यूमिनियम और सिलिकेट कले का, इनका जमाव होता है बी संस्तर से। इसके बाद में अपने नेक्स्ट आता है सी संस्तर। तो सी संस्तर में क्या होता है, सी संस्तर में जो चट्टाने होती है वो कम विघटित जो मूल पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है सी संस्तर में। नेक्स्ट है अपने सी संस्तर आंशिक या कम विघटित मूल पदार्थ, वो कहां पाया जाता है, सी संस्तर में। दूसरी मुख्य बात की जाए इसकी, तो ऐसा कौन सा संस्तर है जिसमें मुख्य जैविक क्रियाएं नहीं होती है, तो वो कौन सा संस्तर होता है, सी संस्तर। तो इसकी मुख्य बात क्या होगी, सी संस्तर में क्या पाया जाता है, कम विघटित या आंशिक विच्छेदित जो मूल पदार्थ होता है वो पाया जाता है सी संस्तर में, जो कि थोड़ा बहुत कठोर होता है। दूसरा, इसमें कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती है। सी संस्तर के नीचे जो कठोर चट्टाने होती है, कठोर चट्टाने जिनको बेड रॉक्स भी बोला जाता है, उनकी एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोल रहे हैं, आर लेयर या आर परत। सिंपल सा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो सी संस्तर है उसके नीचे जो चट्टानों की परत पाई जाती है, कठोर परत पाई जाती है, उसको कौन सी परत कहा जाता है, तो कौन सी परत कहेंगे, आर परत। ये अपना आज का टॉपिक है मृदा परिक्षेत्री का सोइल प्रोफाइल। सबसे पहले सोइल प्रोफाइल क्या होगी, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, अर्थात मृदा में मूल पदार्थ तक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा कटान लगाते हैं, तब अलग अलग प्रकार के रंगों की परतें दिखाई देती है, उन परतों को क्या कहा जाता है, संस्तर या होरिजन, जिनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मृदा परिक्षेत्रिका या सोइल प्रोफाइल। इनमें से ए और बी संस्तर को क्या कहते हैं, सोलम। ए बी और सी संस्तर को क्या कहते हैं, रिगोलिथ। और संस्तर कौन कौन से, ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, चार संस्तर है मुख्य रूप से। इनमें से ओ संस्तर कहाँ पाया जाता है, पोरेस्ट सोइल में पाया जाता है, कहाँ अनुपस्थित रहता है, अरेबल सोइल में एब्सेंट रहता है। इस संस्तर को क्या, किस नाम से जानते हैं, कार्बनिक संस्तर के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक होरिजन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, जो पादप और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें। दूसरा था ए संस्तर, ए संस्तर को क्या कहते थे, खनिज संस्तर, मिनरल होरिजन। इसमें से क्या होता, आयरन एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होते हैं वो बह के और निचले संस्तर में चले जाते हैं, इसलिए इसका संबंध किससे हो जाता है, इलुवियल से। निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं, वाशिंग आउट क्रिया से संबंधित संस्तर कौन सा हो जाएगा, ए संस्तर। इसके बाद में आता है बी संस्तर, जो ए संस्तर से बह के या जो निक्षालित हुए थे आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, उनका जवाब कहाँ होता है, बी संस्तर में। इस कारण इस संस्तर को तो किस नाम से जानते हैं, इलुवियल, अर्थात वाशिंग इन। और मर्दा कौन से संस्तर को कहते हैं, बी संस्तर को। तीसरा चौथा था अपने सी संस्तर, सी संस्तर में क्या पाया जाता है, कम विघटित जो मूल चट्टाने होती है या मूल पदार्थ होता है वो पाया जाता है, और इसमें कौन सी क्रिया नहीं होती है, जैविक क्रियाएं नहीं होती इस प्रकार के संस्तर में। सी संस्तर के नीचे क्या होती है,
जो चट्टाने होती है, कठोर चट्टाने होती है, बेडरॉक्स होती है, उनकी एक परत पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, आर लेयर। ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल के नाम से। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो छात्र कोरोना बीमारी के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनकी घर पे अच्छी तैयारी हो सके। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।